सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के ऊपर। एनडीए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और किस प्रकार से हम एनडीए में जा सकते हैं। तो दोस्तों, एनडीए का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। यदि आप देश के युवा हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तो इसके लिए दोस्तों आपको एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसका क्या एज है, किस प्रकार से उसमें जाते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो दोस्तों आप एनडीए में जाना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल फिट रहना पड़ेगा, और कौन से सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, उसकी उम्र क्या है। तो सबसे पहले इसमें उम्र बता देता हूँ, इसमें 16.5 साल से, यदि आपकी 16.5 साल उम्र है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आगे और क्राइटेरिया है। 16.5 साल से 19 साल तक इसकी उम्र है, इस उम्र के बीच में आप भर सकते हैं। अब आपके पास फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाई आप करे होने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, कब, 11th और 12th में। यदि आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो ही आप जा सकते हैं, और बाकी थल सेना में आप कोई सा भी सब्जेक्ट चल जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट से जा सकते हैं। इसमें मैथ्स, अगर इसको क्वालिफाई करना है, आपको तैयारी करना है, तो दोस्तों शुरू से तैयारी करके रखें। आपका मैथ्स और फिजिक्स आपका तगड़ा होना चाहिए, उस पर पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। यदि उस पर पकड़ मजबूत होती है तो निश्चित ही आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसका एग्ज़ाम कब होता है और कौन लेता है, तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों यूपीएससी लेता है, और साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती हैं, जिसको आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो साल में 2 बार ये एग्ज़ाम्स होती हैं, और जो भी मैं मानता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स अपनी उम्र पार कर चुके हैं होंगे बहुत सारे, तो वो इस वीडियो को आप अन्यथा ना लें, गलत ना लें, क्योंकि ये हो सकता है आपके भाइयों को, अपने दोस्तों को, यार अपनी वजह से किसी और को फ़ायदा हो सका, तो आप उसको शेयर कर दें, ताकि उसको कम से कम पता चले कि एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है, इसमें कैसे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, और इसमें हाइट भी आपका कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अधिकतर जिसको हाइट की समस्या रहती है दोस्तों, जैसे, तो वो इसमें जा सकता है। हाइट में अगर आप 157 सेंटीमीटर तो नॉर्मल लगभग हर बंदे की रहती है, बस आपको चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं एनडीए के बारे में आपको बता दिया हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका मैथ्स और साइंस होना जरूरी है 11th और 12th में, और उसी समय तैयारी होती है, 16.5 साल की उम्र लगभग हो जाती है, तो आपकी मैथ्स और साइंस पे आप पकड़ अच्छी रखें, ताकि जैसे एग्ज़ाम हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जब भी अगर किसी इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती होगी, तो बाकायदा आपको एनडीए का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि आपको एनडीए, जैसे वायुसेना हो गया, नेवी हो गया, और हाँ, अभी थल सेना का और बता रहा था, तो दोस्तों इसमें थल सेना में आपको मैथ्स और ये जरूरी नहीं होता है कि मैथ्स आपका हो, साइंस हो, आपका अन्य सब्जेक्ट भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन इन तीनों में आपको कम से कम 60% होना जरूरी है। आप पास करते हैं तो आपके रिजल्ट में 60% पास मार्क होना जरूरी है, तो आप इस फॉर्म को क्लियर कर सकते हैं। तो थल सेना का जो एनडीए का जो मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होता तो अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए कि एनडीए पास करने के लिए इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे मैं और विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, कि एनडीए के लिए आपको कौन कौन से कैसे एग्ज़ाम पास करना है, पास करने के बाद आगे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका क्या होगा, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल आप जब जो भी इसकी एनडीए की वो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके देख लें, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब चीज़ें।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो बिल्कुल दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को ये जानकारी पहुँच सके। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।